सेल्फ मेड इंसान था, देहात में पैदा होने वाला बच्चा था, लेकिन सेल्फ मेड था। अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से और अपने सलाहियतों को बरकरार लाते हुए वो एक काबिल फख्र और ऊंचे मुकाम पर, मनसब पर पहुंच चुका है। ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि हर बंदे की लाइफ में कुछ ख्वाहिशात होते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि मैं गांव का जुनेद खान किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेटर बना, उसमें अगर मैं मेंशन कर लूँ, बिलोंग टू स्वाबी में कर रहा हूँ और यहाँ पे अमूमन जो थी वो टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती थी और मैं भी यूजुअल टेप बॉल क्रिकेट से स्टार्ट लिया। और मुझे आज भी याद है कि मोती भाई जो थे वो ट्रायल के लिए आए थे स्वाबी, अंडर 15 और अंडर 19 के ट्रायल्स के लिए। मैं नॉर्मली जिस तरह का मेंशन किया कि टेप बॉल क्रिकेट मैं खेलता था, मैं गया था टेप बॉल का मैच दूसरे गांव में। मैच जल्दी ख़त्म हुआ और वो ट्रायल जो थे वो शुरू थे, तो मेरा एक कज़न था वो कहता था कि भाई मैं क्लब क्रिकेट खेला हूँ, हार्ड बॉल पे मैं इस तरह बॉलिंग करता था, ये वो। तो उसने मुझे कहा, वो मेरे साथ ही था, वो भी मैच खेलने गया था। उसने कहा कि आज देखते हैं कि आप तो टेप बॉल पे तेज़ बॉलिंग भी करते हो, अच्छी भी करते, इधर आके देखते हैं कि आप किस तरह की बॉलिंग करते हैं। 2005 की बात है जब मोहम्मद जुनेद खान गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम स्वाबी आए थे अपने कज़न आरिफ के साथ, और आरिफ ने कहा कि ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है और ये मेरा कज़न है और ये टेप बॉल पे क्रिकेट खेलता है। जब मैंने उसको बॉलिंग करते देखा तो मैंने कहा आरिफ खान, इसको आप यहाँ भी छोड़ दें। वहाँ पे मैं गया, मेरे पास ट्राउज़र भी नहीं था, सैयद कमर भाई जो था मैं तो नहीं जानता था उस टाइम है, तो जो मेरा कज़न था उसने लिया है उससे ट्राउज़र और मैंने वो ट्राउज़र पहन लिया, शर्ट मेरे पास ऑलरेडी था, ट्रेनर भी थे, वो मैंने लिए और मैंने ट्रायल दिए। मुझे खुद आइडिया नहीं हो रहा था, बस बॉल कर रहा था, कभी बॉल अंदर जा रहे, बाहर, आउट स्विंग, इन स्विंग, सारी चीज़ें खुद बहुत होती गई। वहाँ पे मुझे कहा गया कि यार अभी आपकी एज कम है, क्योंकि उस टाइम मैं 6-7 क्लास में पढ़ रहा था, कि आप ऐसा कर ले कि आप इस तरह अंडर 15 के जब ट्रायल होंगे आप वो पेशावर में दे लें। मैं वहाँ पे गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं 20 में नाम आया, फिर जब अनाउंस हुआ नेक्स्ट डे अखबार में आया तो मेरा नाम नहीं था, फिर मैं आ गया फुटबॉल वगैरह खेलने, क्योंकि स्कूल लेवल पे मैं ज़्यादातर फुटबॉल ही खेला और वॉलीबॉल। उसके बाद फिर मैंने जो आमिर भाई थे उसने कहा कि यार मेरे कज़न को क्या, इसको ये अच्छा बॉलर है, इसको हार्ड बॉल खेलना चाहिए, तो मैंने पख्तूनख्वा क्रिकेट क्लब जो था वो ज्वाइन किया। उसी दिन से जैसे उन्होंने एक बॉल की उसी दिन से ये पख्तूनख्वा क्रिकेट क्लब में आए हैं और पख्तूनख्वा क्रिकेट अकेडमी से उन्होंने क्रिकेट खेली है। वहाँ पर पहले साल मैंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, तो उसी बेस पर मैं अंडर 19 जो डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की टीम थी वहाँ पर सेलेक्ट हुआ। वहाँ पे
मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो टॉप किया। सो वहाँ से चलता हुआ जो मेरा प्रोफेशनल क्रिकेटर का करियर था वो शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैं एबटाबाद रीजन में सेलेक्ट हुआ 2006 में, और वहाँ पे मैं पूरे पाकिस्तान में बेस्ट बॉलर बना था। सो वहाँ से फिर मुझे लोगों के नज़रों में भी आ गया और मुझे ख़ुद आइडिया हुआ कि भाई मैं आगे जा सकता हूँ। वहाँ तक मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली थी तो वो मैं बस लाइक पार्ट टाइम खेल रहा था, क्योंकि क्रिकेट और साथ में फुटबॉल वॉलीबॉल सारे गेम में खेलता था। उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था 19 का, तो वहाँ पर भी अच्छी बॉलिंग की। फिर होते होते हुए वर्ल्ड कप आ गया 19। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मुझे एक भी मैच नहीं मिला, तो वहाँ से जब वापस आए तो मुझे आज भी याद है कि वन डे हो रहे थे एबटाबाद रीजन के। सो हमारा स्वी गेस के साथ मैच था, तो सारे लड़के घरों में चले गए। हमें कराची में स्टे करके सुबह पहुंचा और सीधा ग्राउंड जाके मैच खेला, और वो मैच टीवी पे भी आ रहा था। सो वहाँ पे मैंने आई थिंक 12-13 रन दे के 4 आउट किए। सो वो मैच जो था वो मेरा टर्निंग था लाइफ का, वो सारे लोग टीवी पे देख रहे थे। सो वहाँ से लोगों को पता चल गया कि भाई जुनेद खान है। वहाँ से फिर मैं ए टीम में सेलेक्ट हुआ, और उसमें परफॉर्म करते करते 2011 वर्ल्ड कप में मैं फिर सेलेक्ट हुआ। सुहेल तनवीर भाई जो थे वो इंजर्ड हुए, तो उसी बेस पे मोहसिन भाई हेड कोच थे, तो उसी ने सेलेक्ट किया। सो वहाँ पे मैं साइड मैच खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ पे मैंने 3 आउट किए थे 41 रन दे के। सो स्टिल वहाँ पे मैं फिर कोई मैच नहीं खेला। उसके बाद फिर मेरा वेस्ट इंडीज में नेक्स्ट जो टूर था वर्ल्ड कप के, तो वहाँ पे मेरा T20 और वन डे का डेब्यू हुआ। और पहला जो T20 हुआ उसी में मैं 2 ओवर किए थे, पता नहीं 12-13 रन दिए थे, लेकिन कोई आउट नहीं था। उसके बाद फिर वन डे में भी मुझे आई थिंक दूसरे या तीसरे मैच में मैंने 1 आउट किया था। ब्रिलियंट ब्रिलियंट चेंज ऑफ एंगल, परफेक्ट यॉर्कर, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज द मोस्ट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ अ स्किल सेट ऑफ द लेफ्ट हैंड सीम अदन शो। Brilliant bowling, absolutely brilliant. फिर टेस्ट जब अगेन जिम्बाब्वे डेब्यू हुआ, तो वो भी 1 आउट किया था पहले मैच में। तो वहाँ से होते हुए मैं तो क्रिकेट खेला था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंटरनेशनल में अगर मुझे किसी ने पहचाना तो अगेंस्ट इंडिया, जिस तरीके से मैंने बॉलिंग की और वहाँ पे गए इंडिया के स्लो पिचेस पे जिस तरीके से मैंने परफॉर्म किया, तो वहाँ से एक लाइक ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलिंग का मेन सुतून में ही बन गया था। वहाँ से फिर साउथ अफ्रीका, और वो 3-4 साल जो थे वो मेरे ऐसे थे कि मेरे माइंड में ये आता था कि भाई जो भी है वो मैं करूँगा। लेकिन उसमें अगर मैं एक चीज़ मेंशन करूँ, वो इंडिया टूर से पहले तो मैं काउंटी क्रिकेट खेला था लंका शहर के लिए। सुबह में जो पीटर मोर था उसने जिस तरीके से मेरे साथ होमवर्क किया, मुझे बताया कि आप में क्या वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो वो सारी चीज़ें उसने जब मेरे साथ 2-3-4 महीने काम किया, तो मैं काउंटी भी खेला, मैचेस भी खेला। लेकिन जब मैं वापस आया सो वो बिल्कुल लाइक जुनेद खान डिफरेंट बॉलर था। सुबह से इंडिया लाइक श्रीलंका के प्लेट पिचेस पे जो है वो 4-4, 5-5 आउट करना और एक रूटीन बन गया आउट करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2015 में जिस तरीके से मुझे इंजरी हुई कि बारिश हुई और मुझे कहा कि बॉलिंग करो, और वो बॉलिंग मेरे से लाइक ये कहो कि ज़बरदस्ती टाइप कराई गई, तो वो मैं स्लिप हुआ पहले बॉल पे और वहाँ से मुझे इंजरी शुरू हो गई, मुझे नी की हो गई, और वहाँ से मेरा लाइक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मैं नीचे मेरा ग्राफ परफॉर्मेंस का आ गया। लेकिन स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मैं मेहनत करता रहा करता रहा। मैं वापस आया, फिर मुझे 2-4 मैच खिला के फिर ड्रॉप किया, फिर मैं BPL के लिए गया। उसके दरमियान मैं काउंटी में भी परफॉर्म करता रहा 3-4 साल तक। उसके बाद जब BPL में मैंने टॉप किया 2016 में, तो मुझे आज भी याद है कि बिल्कुल एंड था 16 का, तो इरफान की अम्मी की डेथ हुई, तो मुझे फिर प्लेस किया ऑस्ट्रेलिया टूर पे, उधर जाके मैंने परफॉर्म किया। वहाँ से फिर वेस्ट इंडीज़ वगैरह, और वो करते करते चैंपियन ट्रॉफी आ गई। चैंपियन ट्रॉफी में भी साइड मैच में मैंने 4-5 आउट किए। उसके बाद फिर पहला मैच में लाइक मेरे तो खैर माइंड में नहीं था कि मैं ड्रॉप होऊंगा, लेकिन वहाँ पे मुझे फिर पहला मैच नहीं खेला अगेंस्ट इंडिया। सो मेरे ख्याल में वो फिर मुझे दुख हुआ।
उसके बाद फिर चैम्पियन ट्रॉफी के बाकी मैचेस मुझे खिलाए जिस तरीके से, तो उसमें भी मेरे सेकंड विकेट टेकर रहा था, आई थिंक मेरे प्लंकट के सेम विकेट थे। वहाँ से फिर मैं तो ये कंफर्म था कि भाई अभी मैं दोबारा वही 2013-14 वाले जुनेद खान होऊंगा और टीम में परमानेंट होऊंगा। लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली चैम्पियन ट्रॉफी के बाद भी कोई एक ऐसा सीरीज़ नहीं हुआ था जो मुझे पहले मैचेस खिलाते थे वो खिला के, लेकिन स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मैं कहता था कि भाई एक मैच में होता है दोस्त में कोशिश करो कि परफॉर्म करो। सो वो अपनी ट्राई करता रहा और मेरे ख्याल में 2019 जो वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुआ और बाहर हुआ, तो वो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ का एक ऐसा लम्हा था कि मैं कभी नहीं भूल सकता। जितना खुशी मुझे डेब्यू पे हुई थी उससे ज़्यादा दुख मुझे जब मुझे ड्रॉप किया गया। ये तो मुझे भी पता नहीं बहाना जो था वो परफॉर्मेंस का दिया गया, हालांकि उस टूर पे मुझे पहले मैचेस भी नहीं खिलाए गए और उसके बाद जब खिलाए भी गए ना तो सबसे कम इकोनॉमी मेरी थी और सबसे सीनियर भी मैं था, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था कि भाई एक छोटे से गांव से अगर जुनेद खान पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं जहाँ पर टेप बॉल खेली जाती थी, सो आज मैंने यहाँ पे एकेडमी बनाई है, जिस तरह ये जुनेद खान क्रिकेट एकेडमी है, मानसेरा में भी एक बनाई हुई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, मैं जुनेद खान एकेडमी से क्लब क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट में आल पाकिस्तान को टॉप किया था और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो मर्दान के खिलाफ 7 आउट किए थे 20 रन देकर, और इफ्टाबाद रीजन से अंडर 19 खेल चुका हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मैंने 2014 में जुनेद खान क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन की थी, उस वक्त मैं 4th क्लास में पढ़ता था और हमारे कोच है स्टाफ जुनेद भाई ने हमें इतना मेहनत कर हमें इस लेवल तक पहुँचाया कि की अंडर 17 टीम बन रही थी, इसमें मैं सवाबी से एक लड़का सेलेक्ट हुआ था वो भी जुनेद खान क्रिकेट एकेडमी से। जमुंग पर खुशहाले खबर हो डेर खुशहाले खबर दावे चे वर्ल्ड कप ले नुम रागे और दागी न पद भी डेर खुशहाले खबर दावे चे वेस्ट इंडीज के दा पे लंबे विकेट वागास्ता अगे लंबे डीबी हुआ। हमेशा मेरा बिलीफ अल्लाह पे रहा और मैंने किसी की वो नहीं की कि भाई मैं मुझे खिलाओ ये करो वो करो, तो मेरे ख्याल में उसका भी थोड़ा सा मैं अगर मेंशन करूँ कि लाइक और डिसलाइक में आ जाते, लेकिन स्टिल बिलीफ अल्लाह पे था और अल्लाह पे है। सो यही थी, अभी ट्रेनिंग वगैरह जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं करता हूँ और मेरी ये कोशिश है कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मैंने कभी अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ नहीं किया। मुझे अमेरिका से ऑफ़र आए, मुझे इंग्लैंड से 2016 में ऑफ़र आया क्योंकि मेरे पास वहाँ की नेशनलिटी है, लेकिन स्टिल मैंने बिलीव अल्लाह पे था, मेहनत पे था, और मैंने ये कहा था कि भाई जुनेद खान अगर कोई जानता है तो वो पाकिस्तान की वजह से, तो मैं नहीं गया। स्टिल अभी मैं इंशाल्लाह होप मेरी यही है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोबारा कम बैक करूँ। और हमारी तो दुआएं हैं उनके लिए और उसके मुस्तकबल के लिए, उसके अच्छे खुशहाल मुस्तकबल के लिए हम उनके लिए दुआगो हैं और साथ साथ उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो अपने इस जद्दोजहद में अपने इस जो उसका पेशा है एज ए स्पोर्ट्समैन वो आगे इंशाल्लाह जाएगा, अपने मुल्क के लिए कौम के लिए नाम कमाएगा। कि वो टैलेंटेड है और उसने अपने टैलेंट के ज़रिए अपने इलाके का नाम रोशन किया, स्वाबी का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उसके साथ साथ मेरी ये भी है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, क्रिकेट में हो चाहे किसी और लाइक एनजीओस के साथ मुंसलिक हो के मैं करूं, या मैं चाह रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान में एक अमन है और मैं लोगों को पाकिस्तान का वो टूरिज्म में भी सपोर्ट करूं कि भाई आप लोग आओ पाकिस्तान देख ले, अमन है यहाँ पे, जो लोकल भी है जो स्पेशली बाहर के जो कंट्री वाले कि भाई पाकिस्तान इतना खूबसूरत है आप लोग यहाँ पर आए और देख ले। सो यही चीज़ें इंशाल्लाह मैं चाहे किसी भी फील्ड में हो मैं वो करूँगा जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो।